एमिल कांसी सजाए मौत से तदफीन तक। एमिल कांसी को जून 1997 में डीजी खान से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की किसी भी अदालत में पेश करने के बजाय अमेरिकी एहलकार इन्हें अमेरिका ले गए, जहां CIA के एहलकारों के कत्ल के इल्जाम में 14 फरवरी 1998 को सजा सुनाई गई। एमिल कांसी ने अदालत के सामने जुर्म का एतराफ करते हुए कहा कि वो मौत के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2002 को 7-2 के फैसले से सजा के खिलाफ उनकी अपील मुस्तरद कर दी। मौत से एक दिन कबल एमिल कांसी ने BBC को सनसनीखेज इंटरव्यू में बताया कि उनकी गिरफ्तारी की वजूहात सियासी थी। सजाए मौत से कबल एमिल कांसी के भाइयों और रिश्तेदारों ने उनसे आखिरी मुलाकात की। एमिल कांसी ने अपनी वसीयत में कहा कि मेरी कुर्बानी को जाया ना होने दें और पुरअमन रहें। 14 नवंबर 2014 को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे उन्हें जहरीला टीका लगाकर सजाए मौत दे दी गई। उनके आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर जहांगीर अशरफ काजी एमिल कांसी की मैयत के साथ पाकिस्तान आए। एमिल कांसी का जनाजा क्वेटा की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था, जिसमें वजीर सेहत अब्दुल मालिक कासी ने शिरकत की। हाफिज हुसैन अहमद की दरख्वास्त पर एमिल कांसी के लिए कौमी असेंबली के इजलास में दुआए मगफरत की गई।